हमारी प्रकृति में कई तरह की सब्जियां पाई जाती हैं और सब्जियों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। डॉक्टर्स भी स्वस्थ रहने के लिए सब्जियों के सेवन की सलाह देते हैं। सब्जियों में कई तरह के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं जो शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। आज हम आपको सांप जैसी दिखने वाली एक ऐसी ही सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सेवन मात्र से ही कई बीमारियों से निजात मिल सकती है। सब्जी का नाम है चिचिंडा। चिचिंडा को चिचन के नाम से जाना जाता है, एक सब्जी है और जिसको पडवाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वैसे तो जो हम इसको मुख्यतः पहचानते हैं उसको स्नेक गाउड के रूप में या सरपेंट गाउड के रूप में जानते हैं। और इसमें क्योंकि ये हरे रंग का होता है, चित्तीदार होता है, स्नेक का जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम स्नेक गाउड रखा गया है। वानस्पतिक रूप से इसका नाम ट्राइकोसेंथस कुकुमेरिया इसका नाम है। और ये मुख्यतः जो है वो हीलिंग बर्न्स को जो हमारे हो जाते हैं उनको हील करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, डायबिटीज में भी कारगर है, इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी ये काम किया करता है। और इसके लगने के लिए वैसे तो 18 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर भी इसको लगाया जाता है। और बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको चिचन मिल जाता है बाज़ार में। ये कई सारी जो हमारे पेट के इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, क्रैम्प्स हैं, और ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और महत्वपूर्ण सब्जी होने के साथ साथ ये स्किन में, हेयर के लिए भी अच्छा है और आयुर्वेद में डायरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत के अलावा श्रीलंका, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। ये वाइन है, वैसे टेक्निकली ये वाइन है जिसमें टेंड्रिल्स लगे रहे होते हैं। तो क्योंकि इसमें कॉइल्ड अपीयरेंस है और इसमें सफ़ेद स्ट्रिप्स इसमें पाई जाती हैं, तो बिल्कुल जैसे स्नेक होता है उसी तरह से ये मिलता है। इसके अलावा इससे कई सारे लाभ भी, इसको हम प्रकृति से जब लेते हैं तो उसमें ये चिचिंडा भी शामिल है। इसको करी के रूप में या सब्जी के रूप में या दाल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। और इसका महत्वपूर्ण भाग क्या है कि दही के साथ बहुत फेवरेट बनता है, जहां ये स्मूथ और डाइजेशन के में ज़्यादा मदद कर देता है। इसमें पानी ज़्यादा होता है तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें डाइट्री फाइबर्स इसमें मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, इसमें प्रोटीन्स आपको मिलते हैं, विटामिन ए इसमें है, विटामिन B6 है, सी है और विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कई मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये भी इसमें आपको मिलता है। साथ ही जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, आयोडीन है, ये भी आपको इसमें मिल जाता है क्योंकि ये लो कैलोरी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टी है, लाइकोपीन इसमें मिलता है, बायफ्लेवोनॉइड्स इसमें मिलते हैं और साथ में ग्लाइकोसाइड्स में भी इसमें मिलते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है इसको ये इंसुलिन एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कर देता है। तो उसको बनाने के कई तरीके हैं, कुछ लोग प्याज के साथ भी बनाते हैं, वैसे दही के साथ भी बनाते हैं और कुछ लोग आलू के साथ, कुछ लोग मूली के साथ और कुछ लोग सेपरेट भी बनाते हैं। तो तरह तरह की प्रक्रिया से बनाया जाता है, लेकिन बरसात में ये मुख्यतः रूप से उत्तराखंड के पहाड़ों में मिलता है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।